हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पीकॉक बर्ड के ऊपर फैब्रिक पेंट करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जैसे देख सकते हैं, मैंने अभी रफ स्केच पीकॉक बर्ड का रेडी किया हुआ है। सो उसकी अपर बॉडी को पेंट करने के लिए मैं नेवी ब्लू और वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, और इसे पेंट करने के लिए मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ 5 नंबर का। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो फ्लैट ब्रश के साथ भी आप पेंट कर सकते हैं। मैं राउंड ब्रश इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा सकूँ इसका पेंटिंग का। अभी आप देख सकते हैं कैसे ब्लेंडिंग हो रही है। सो आपको बार बार ब्रश को पानी में डिप नहीं करना है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। अभी इसकी अपर बॉडी को फिनिशिंग देने के लिए मैं 1 नंबर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही पॉइंटेड ब्रश होता है और इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है पेंटिंग की। अभी आप देख सकते हैं पीको की लोअर बॉडी को पेंट करने के लिए मैंने पॉल ब्लू कलर यूज़ किया है, और इसे पेंट करने के लिए भी मैं 5 नंबर का ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। आप ब्लेंडिंग की टेक्निक चेक कीजिए और ध्यान रखिए, पेंट करते वक्त आप ब्रश के ऊपर हल्का सा प्रेशर बना के रखें, इससे ब्लेंडिंग और अच्छे से निकल के आएगी। पीको की लोअर बॉडी को भी और इंटेंसिफाई करने के लिए मैं 3 कलर का मिक्सचर यूज़ करूँगी, वाइट, पर्ल ब्लू कलर और ब्लैक कलर का, 1 नंबर ब्रश के साथ। अगर आप बिगनर हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप पेंटिंग सीख रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ फॉलो कीजिए। ब्लैक कलर के साथ ही और इंटेंसिफाई लुक देगा। आप पेंटिंग टेक्निक की तरफ ध्यान दीजिए, किस तरह से ब्लेंडिंग हो रही है, किस तरह से ब्रश का यूज हो रहा है। अगर आप टेक्निक की तरफ ध्यान देंगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी पेंटिंग सीख जाएंगे। अभी मैं 1 नंबर का ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत थिन स्ट्रक्चर पेंट करना है। अब आता है हमारे पेंटिंग का 3rd पार्ट। सो पीकॉक के फर को पेंट करने के लिए, उसको फैदर्स को पेंट करने के लिए मैं 2 कलर्स का मिक्सचर यूज़ करूँगी, येलो और ग्रीन, 5 नंबर के ब्रश के साथ, राउंड ब्रश। इसकी टेक्निक चेक कर सकते हैं आप। हाफ ब्रश पे आप ग्रीन कलर लें, हाफ ब्रश पे आप येलो कलर लें, ये ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट निकल के आएगा। आप देख सकते हैं कितनी रियलिस्टिक पेंटिंग लग रही है ये। अभी इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो रहा है पेंटिंग का। अभी इसको और अच्छी लुक देने के लिए मैं पर्ल ब्लू कलर यूज कर रही हूँ इसमें, ताकि वो जो शिमरी इफेक्ट होता है पीकॉक के फेदर्स में वो आए।
पीकॉक के फैदर्स को एक्चुअल लुक देने के लिए मैं पिंक और येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कैसे यूज़ कर रही हूँ, और इसके लिए भी मैं 1 नंबर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही थिन पार्ट है, तो मेरे को बहुत ही पॉइंटेड इफेक्ट चाहिए इसका। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 1 नंबर ब्रश। अभी पीकॉक के फर को प्रॉपर फेदर लुक देने के लिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि उसमें एक इंटेंस लुक आ सके और रियलिस्टिक पेंटिंग लग सके। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट निकल के आ रहा है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जितने भी थिन पोर्शन होंगे आपके पेंट करने के लिए, आप उसके लिए 1 नंबर का ब्रश ही यूज़ करें, उससे रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। अभी हम रेस्ट ऑफ द पेंटिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके लिए मैं अब 1 नंबर का ब्रश ही यूज़ करूँगी क्योंकि वो बहुत ही थिन स्ट्रक्चर है, सो मेरे को बहुत ही पॉइंटेड रिजल्ट चाहिए। लीफ को पेंट करने के लिए भी सेम टेक्निक है, ग्रीन और येलो कलर का ब्लेंड। हाफ आप येलो कलर लें ब्रश पे और हाफ आप ग्रीन कलर लें, और इसका ब्लेंड बहुत अच्छा आता है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप ब्रश को बार बार डिप मत करें, इससे इफेक्ट और भी अच्छा आएगा। ब्रांच के लिए मैं 3 कलर यूज़ करूँगी, ब्राउन, ब्लैक और वाइट। अभी आप आगे चेक करिए किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। ब्लैक कलर और वाइट कलर हमें ब्रांच का एक शेडो इफेक्ट देने के लिए यूज होगा। देखिए आप कितनी अच्छी पेंटिंग निकल के आई है। जितना फ्री हैंड रहेंगे उतने ही रियलिस्टिक रिजल्ट्स आएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।